कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रधान मैंबर पार्लीमेंट संगरूर भगवंत मान जी वालों कल पंजाब दे लोकां दी रह जानण दे लई, पंजाब दे लोकां नूं सीएम दा कैंडीडेट आम आदमी पार्टी वालों कौन होगा उस संबंधी अपने सुझाव देण दे लई एक वट्सएप दे उत्ते एक नंबर पंजाब दे लोकां दे लई जारी किया गया सी, पंजाबियां दे लई जारी किया गया सीगा। उस नंबर दे उत्ते पंजाब दे लोक आम आदमी पार्टी वालों कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उस संबंधी अपनी राय देने लई असी सद्दा भेजा सी पंजाब दे लोकां नूं। और सब तो बड़ा रिस्पोंस, सब तो ज़्यादा लोकां ने अपनी राय आम आदमी पार्टी दे उस कॉल नंबर दे उत्ते उस जिहड़ा दित्ता गया नंबर सीगा उहदे उत्ते वड्डी पद्धर ते भेजी आ। लगभग 8 लाख तो उपर, 8 लाख तो उपर पंजाब दे लोकां ने पिछले 24 घंटियां जदों असीं अनाउंसमेंट कीती सी उस तो लैके हुण तक लगभग 24 घंटियां दे विच 8 लाख तो उपर पंजाब दे लोकां ने अपनी राय, अपने सुझाव कि कौन पंजाब दा मुख्यमंत्री होगा उस संबंधी जिहड़े हैगे ने भेजे नेगे। लगभग 3 लाख तो उपर, 3 लाख तो उपर जिहड़े वट्सएप ते मैसेज आए ने उस नंबर दे उत्ते, और 3 लाख तो उपर वट्सएप ते मैसेज आए ने, और लगभग 4 लाख तो उपर, 4 लाख तो उपर कॉल्स यानी कि फोन कॉल्स आईयां नेगियां, और 1 लाख तो उपर जिहड़े नेगे वॉयस मैसेज आए नेगे, 50,000 तो ज़्यादा जिहड़े ने मैसेज आए ने टैक्सट मैसेज आए ने, 50,000 तो ज़्यादा टैक्सट मैसेज, 1 लाख तो ज़्यादा जिहड़े हैगे ने वॉयस नोट लोगों ने भेजे नेगे, इस तरह 4 लाख तो उपर जिहड़ियां कॉल्स थीं वो आईयां नेगियां, और 3 लाख तो उपर वट्सएप ते मैसेज आए ने। सो लगभग 8 लाख तो उपर पंजाब दे लोकां ने अपनी राय, अपनी जिहड़े सुजैशन कौन पंजाब दा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी वल्लों होना चाहीदा गा, कौन सीएम दा चेहरा होना चाहीदा गा, ये पिछले 24 घंटियां दे विच आम आदमी पार्टी वल्लों दित्ते नंबर ते भेजी गई आ। बहुत बड़ा बिग रिस्पोंस, बहुत भारी रिस्पोंस हिंदुस्तान की राजनीति में, भारत के इतिहास के जिहड़ा आम आदमी पार्टी वल्लों पहली बार लोगों की लहर रह लई गई आ, उहदे विच सब तो वध रिस्पोंस जिहड़ा पंजाब के लोगों ने पंजाबियों ने दिता गा। इत्थों पता लग रहा गा कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी नूं प्यार करन वाले, पंजाब विच आम आदमी पार्टी नाल जुड़न वाले, पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार देखण वाले, और आम आदमी पार्टी दीआं नीतियां नूं, अरविंद केजरीवाल जी दे नीतियां नूं, अरविंद केजरीवाल जी दे एजुकेशन दे हैल्थ दे मॉडल नूं प्यार करने लोगों की गिणती है जिहड़ी वह लगातार किन्नी वध रही आ, और 24 घंटियां च 8 लाख तो उपर लोगों का रिस्पोंस आना, 8 लाख लोगों की जिहड़ी आ राय आनी, इस गल का सबूत है कि 2022 नूं 14 फरवरी नूं पंजाब दे लोग वड्डी गिणती दे विच भारी बहुमत दे नाल आम आदमी पार्टी नूं वोटां पाउणगे, और 10 मार्च नूं पंजाब विच सरकार जिहड़ी आ आम आदमी पार्टी की बनूगी। इस गल का सबूत जिहड़ा गा पहले 24 घंटियां च लग गया कि 8 लाख तो उपर लोगों ने सानूं वख-वख तरीकों के राही, वट्सएप ते मैसेज के राही, वॉयस मैसेज के राही, टैक्स मैसेज के राही ते और कॉल्स के राही यानी कि फोन करके सानूं अपनी राय भेजी आ। सो असी आने वाले 24 घंटे 17 तरीक तक पंजाब के लोगों को सद्दा दे रहे हैं कि उस नंबर पर लगातार अपना फोन करो, कॉल करो, वट्सएप पर टैक्स मैसेज भेजो ताकि असी 17 तरीक तो बाद तुहाडी राय लैके उते विचार करके मुख्यमंत्री जी का ऐलान कर सकी। देखो ये रिस्पोंस पार्टी को पहुंच रहा है, ये जो रिस्पोंस सारा 17 तरीक जो एनालिसिस होगा, जो 17 तरीक न पार्टी का जेडे ऑफिस बीरर बैठ के उससे राय करेंगे, उस तो बाद दसा जाऊगा कि सब तो वध रिस्पोंस किस जिहड़ा हैगा किस दे नां ते आएगा, जां सब तो वध सहमति जिहड़ी आ उह किस नां ते बणी आ। इस 17 तरीक तो बाद जदों दुबारा असीं तुहानूं बुलावांगे फिर जिहड़ा हैगा असीं तुहानूं दसांगे, डिस्कलोज करांगे कि किस नां ते पंजाब दे लोक अपनी मोहर लाउणी चाहुंदे नेगे। उह तां फाइनल होएगा ना जी, पर हुण कोई रुझान आया होवे, कोई किसी कैंडीडेट दा नाम सामने आया होवे जिहदे रुझान सब तो ज्यादा होवे। देखो रुझान जिहड़ा हैगा उह पार्टी दे इक बंद जिहड़ा मैं समझदा डब्बे दे विच आ, उत्थे लगातार रिस्पोंस आ रहा है, वह सारा तुहानूं सारा डिटेल दे विच
जो फुल दोबारा करांगे, दोबारा तुहानू बुलावांगे, तो पूरा दसांगे कि किस व्यक्ति के नाते किन्ने परसेंट, किस व्यक्ति के नाते किन्ने परसेंट, यह सारा दसांगे। और पूरा डिटेल दे विच साडे पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल तुहानू जिहड़ा है डिटेल दे विच समझाउणगे। मैं समझता कि 29 दिन बाद या ला लो 29 कि 27 दिन बाद, 27 दिन बाद चोन प्रचार बंद हो जाना गा। और पंजाब के लोगों ने बिल्कुल इस बार साफ ते स्पष्ट बहुमत जिहड़ा हैगा वह आम आदमी पार्टी देना गा। लोगों ने मन बना लिया, लोगों को पता गा कि 5 साल कांग्रेस पार्टी ने दो मुख्यमंत्री पंजाब च बनाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और चरणजीत सिंह चन्नी जी, दोने फ्लाप फेल निकम्मे मुख्यमंत्री साबित होए। दोनों ने पंजाबियों के हितों की प्रोटैक्शन नहीं की, पंजाबियों को जिहड़ा हैगा धोखा दिता, पंजाब के किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं किया, ना जिन्हां लोगों ने साडे धार्मिक ग्रंथां की बेअदबी की, ना वो फड़े गए, ना पंजाब विचों माफिया राज का खात्मा होया, ना पंजाब का एजुकेशन सिस्टम सुधरिया, ना पंजाब का हैल्थ सैक्टर सुधरिया, बल्कि पंजाब दे विच वड्डी पद्धर ते तबाही, वड्डी पद्धर ते मैं समझना करप्शन भ्रिष्टाचार कांग्रसियों ने किया, पंजाब नूं बुरी तरह लुटिया। और दूजे पासे अकाली दल बीजेपी वाले वो नफरत के पात्र ने जिन्होंने तीन काले कानून बना के जिन्होंने पंजाब के किसान ते देश के किसान नूं मारन दा यतन किया, देश के किसान ते पंजाब के किसान दे मौत दे ब्रंट लिखे, ये पंजाबियों नूं पता गा। तुसीं इह देख लैणा कि जिहड़े बीजेपी के सबका अलायंस पार्टनर या नवे बने अलायंस पार्टनर, इन्हां दोनों तिना पार्टियां दी पंजाब विचों जमानत जब्त होगी। और पंजाब के लोग एक पूर्ण बहुमत दे नाल, एक स्पष्ट बहुमत दे नाल आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी आ चुणनगे। देखो पंजाब इलेक्शन तो पहला खास करके जो भी इलेक्शन होती है पंजाब विच, पंजाब सरहदी सूबा गा, इस सरहदी सूबे के अमन चैन नूं इस थे दे भाईचारे नूं तोड़न दा यतन जिहड़ा उह कीता जांदा गा, चाहे वह लुधियाने के बंब ब्लास्ट की गल आ, चाहे हरिमंदर साहब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का यतन करन की गल आ, यह सारिया घटनावां लगातार इलैक्शन तो ठीक थोड़ा समा पहला वापरदियां ने, तां कि लोगों का ध्यान लोक मुद्दों तो हटाया जाए, लोगों नूं होर पासे तोरिया जाए। सो मैं समझदा पंजाब के लोग एकजुट ने, पंजाब च आपसी भाईचारा अमन चैन जिहड़ा बरकरार रहेगा। यह जिन्नियां भी ताकतां जिहड़ियां काम कर रही ने, जिन्ना मर्जी काम कर लैण करी जाण, पर लेकिन पंजाब के लोग एकजुट ने गे और इन्हां रवायती पार्टियों नूं मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखो असी पूरे पैन पंजाब नूं, आल पंजाब नूं जिहड़ा हैगा नंबर जारी किया गया, असी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि सारे पंजाब तो कॉल जा रही हैं, सारे पंजाब तो वट्सएप मैसेज आ रहे हैं, सारे पंजाब तो वॉयस मैसेज आ रहे हैं, टैक्सट मैसेज आ रहे हैं, पूरे होल पंजाब तो आ रहे हैं। जदों असी इहनूं लास्ट विच जो एनालिसिस करांगे उदों बिल्कुल तुहानूं दस देंगे, पर लेकिन हाले पूरे पंजाब चों आ रहे हैं, असीं जिहड़ा हैगा डिवाइड नहीं कर रहे, असीं अजे देख नहीं रहे किहड़े रीजन तों आ रहे ने, जदों डिटेल च आऊगी फिर डिटेल च दस देंगे। चीमा साहब एक पासे तुसीं दावा कर रहे हो कि पंजाब दे विच तुहाडी सरकार बणेगी, दूजे पासे तुहाडे अपने वर्कर इह गल कह रहे ने कि आम आदमी पार्टी सीटां दी खरीद फरोख कर रही है, वड्डी वड्डी अमाउंट भी जिहड़ी मंगी जा रही है सीटां नूं देण करके टिकट कट्टे जा चुके, नहीं तां जिहड़ा अमाउंट नहीं दिंदा उहदी टिकट कट दित्ती जांदी है। देखो जिहड़े टिकटां दे लालची हुंदे नेगे, जिन्हां दा मैं समझदा पंजाब नाल कोई सरोकार नहीं, जिहड़े पंजाब नूं बचाउण दे विच अपना हिस्सा नहीं पाउणा चाहुंदे, और जिहड़े वो लोग नेगे जिहड़े जिन्हां दे निजी सौड़े सियासी हित ने, उन्हां अपने हितां दी पूर्ति जदों नहीं हुंदी तां उस समें उस समें जिहड़ा हैगा इस तरह के मन घड़त बेबुनियाद दोष लाउंदे ने कि आम आदमी पार्टी इन्हां नूं मूलों रद्द करदी है। बिल्कुल जिन्हां ने दोष लाए ने उन्हां दे खिलाफ आम आदमी पार्टी दे जिन्हां ते दोष लाए उन्हां वल्लों डेफामेशन दे केस पाए गए नेगे, तां कि इह जिहड़ा मतलब कूड़ प्रचार बंद किया जाए। जिहड़ियां पार्टियां हार रही ने गियां वो लोग उन्होंने हायर कर ले कि तुसी दोष लाओ, आम आदमी पार्टी पाक पवित्र पार्टी आ, साफ सुथरी पार्टी आ, इस तरह के किसी भी काम च विश्वास नहीं रखती। टिकटां तां कांग्रेस पार्टी बेचती हुंदी आ, टिकटां तां अकाली दल बेचता हुंदा गा, टिकटां तां भाजपा बेचती हुंदी आ, साढ़े तां सारे आम घरां दे वलंटियर, तुसीं मेरे नाल चलो तो तुसीं जाके देखो कि किस तरह असीं उन्हां लोगों नूं टिकटां दित्तियां ने जिन्हां दे घरां दे विच इक इक दो दो कमरे नेगे, वो की किवें खरीद लैणगे वो लोग। सो इह कूड़ प्रचार हो रहा, आम आदमी पार्टी नूं मूलों रद्द कर दी आ। ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਮਾ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ
हरपाल चीमा जी को अपना फेस बनाने के लिए वो कह रहे कि जो सारी एक्सरसाइज चलाई जा रही है ये फार्स है, क्योंकि उन्होंने हरपाल चीमा जो ऑलरेडी लीडर ऑफ अपोजिशन ने उन्होंने बनाना चाहिए था। मतलब यह है कि दलित फेस जो है उसके कॉन्फिडेंस नहीं है उन्होंने। देखो अकाली दल तो एक परिवार की पार्टी है, अकाली दल तो एक परिवार का अकाली दल है ना, वो लोगों का अकाली दल तो है नहीं, वो कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी है नहीं, वो तो एक परिवार चला गा। तीन मैं समझना एक सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने, सुखबीर सिंह बादल ने गए, बीबा हरसिमरत कौर बादल आ, वह तो तिने कट्ठे बैठ के रह नहीं करते। असं तो पूरे पंजाबियों की रह लै रहे हैं, असं तो पूरे पंजाब नूं पुछ रहे हैं, यह तजर्बा नहीं हैगा, ये आम आदमी पार्टी एक्सरसाइज कर रही है, लोगों को इनवॉल्व कर रहे हैं। असं एक अच्छी डेमोक्रेसी, एक अच्छी जड़ा हैगा लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंतर किवें होवे उसकी नींह रख रहे हैं। सो लोगों की लै जी सुजैशन लै रहे राय लै रहे हैं, सो उन्होंने ढिड पीड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि वह मुकाबले चो बाहर ने गए, चाहे अकाली दल आ बीजेपी या कांग्रेस आ, मुकाबले चो बाहर ने और साफ ने। आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी अगे बढ़ रही है और सरकार बनाऊगी। थैंक यू जी। देखो कांग्रेस पार्टी जी सरकार नहीं चल रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही, उन्होंने सर्कस चल रही है और लगातार तीन बंदे इधर भज रहे, तीन बंदे इधर भज रहे हैं और स्टेबल गवर्नमेंट देने का उन्होंने कोई भी लीडर है नहीं। कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल जिथे पूरे देश के खत्म हो चुकी है, जिथे पूरे देश में खत्म हो रही है, उत्थे पंजाब में वेंटीलेटर से आ आखिरी साहां से आ और इलेक्शन के कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। थैंक यू जी। देखो कोई कंपीटीशन किसी प्रकार का कोई कंपीटीशन नहीं है, असीं लोगों को सजेशन मंगे ने, असीं लोगों की राय मंगी आ, जो राय लोगों की 100% राय आ जाऊगी 17 तरीक तक, उस तो बाद जारी कर देंगे। थैंक यू जी।